ललितपुर कोतवाली अंतर्गत नेहरू नगर स्थित देवगढ़ क्रॉसिंग गेट को डीजे वाहन ने किया क्षतिग्रस्त। घटना की सूचना रेलवे फाटक पर तैनात कर्मचारी ने स्टेशन मास्टर को दे दी। मौके पर पहुंची आरपीएफ व जीआरपी पुलिस ने डीजे को अपने कब्जे में ले लिया। रेलवे फाटक क्षतिग्रस्त होने से काफी देर तक यातायात बाधित रहा। इस दौरान कई लोग जान को जोखिम में डालकर रेल मार्ग पर निकलते दिखे। घटना ललितपुर कोतवाली अंतर्गत देवगढ़ रेलवे क्रॉसिंग की है, जहां पर लगे सुरक्षा गेट में आज सुबह स्टेशन की ओर से आ रहे डीजे वाहन ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए रेलवे गेट को तोड़ दिया। रेलवे क्रॉसिंग पर तैनात कर्मचारी ने तत्काल इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी, जिसके बाद स्टेशन मास्टर ने आरपीएफ व जीआरपी पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। रेलवे कर्मचारियों द्वारा रेलवे फाटक की मरम्मत शुरू कर दी गई है। काफी मशक्कत के बाद रेलवे गेट पर लगे पाइप को सही किया जा सका। इस घटना के बाद दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जिसमें कई लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पटरियों से अपने वाहनों को निकालते दिखे। इसका मामला ये है कि गेट हमारा खुला हुआ था और ट्रैफिक निकल रहा था। एक डीजे वाली जीप ललितपुर की तरफ से जेरोन की तरफ जा रही थी, तो डाउन के बूम के किनारे से निकली वो, तो उसमें पीछे एंगल लगे हुए थे डीजे के ऊपर, वो उसका एंगल उसमें बूम में फंस गया, जिससे वो टूट गया। तो दोनों गेट टूट गए क्या? दोनों नहीं, अब वाला। बताया जा रहा है कि फाटक पूरी तरह से नहीं खुला था, जिसकी वजह से डीजे वाहन पाइप से टकरा गया। इस घटना के बाद आने जाने वालों को काफी देर इंतजार करना पड़ा, तब जाकर आवागमन शुरू हुआ। न्यूज़ बीके के लिए ललितपुर से मनोज जैन की रिपोर्ट।